दुनिया की तारीख़ में बहुत सारी जंगें लड़ी जा चुकी हैं और बहुत सारी जंगें बहुत मशहूर भी समझी जाती हैं या तो वो किसी शख्स की वजह से या किसी जगह की वजह से ये जंगें जो हैं वो बहुत मशहूर समझी जाती हैं हमारी इस बीसवीं सदी में भी हम देखते हैं कि दो जंगें लड़ी गई पहली जंग अजीम जो हम देखते हैं कि उन 1914 से लेके 1918 तक लड़ी गई और उसके बाद हम देखते हैं दूसरी जंग जंगीम जो है वो उन्नीस से लेके 1945 तक लड़ी गई तो ये असीम जंगें हैं जो हाल ही में हम कह सकते हैं कि लड़ी गई नस्बत के दूसरी कदीम जंगों के हैं इसी जंग के बाद हम देखते हैं कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक दूसरी जंग अजीम के बाद बहुत सारे ममालिक आज़ादी भी हासिल की और उन ममालिक में से एक मुल्क है जो इसराइल है और इसराइल के वजूद में आने के बाद उसकी अपनी झड़पें जो हैं बहुत सारे उनके जो गिर्दा के ममालिक हैं उससे हो चुकी हैं अब सूरत हाँ ये है कि जब भी इसराइल और किसी और इस्लामी मुल्क की जंग होती है या झगड़ा होता है तो पाकिस्तान में हमारे जो भाई हैं बहन भाई हैं वो पोस्टें लगाते हैं आजकल जैसे दौर है फेसबुक पे बहुत सारी पोस्टें लगाते हैं और अपने या हमदर्दी का या गुस्से का इजहार करते हैं तो मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि कौन किस की हमायत कर रहा है या कौन किसके ख़िलाफ़ है तो हम इससे आगे बढ़कर हम देखते हैं इस जंग के बाद एक पोस्ट फेसबुक पर नज़र से गुज़री जो 23 मई को हमारे एक मेर मुसलमान भाई ने लगाई है जिनका नाम है जनाब जफर इकबाल ये पोस्ट असल में एक सवाल की सूरत में लगाई गई है और सवाल यहाँ पूछा गया है तो उनकी पोस्ट जो उनके अल्फाज थे पोस्ट के वो ये थे यसुम सी को अपनी आमदसानी के बाद ख़ैर व शर का अजीम मार्का दरपेश होगा यानी कि आर्मिक गर्डन क्या मसीह बता सकते हैं कि वो यानी यसु यहूदियों की हमायत में खड़े होंगे या उनके मुखालिफ? बाहवाला जवाब दरकार है जब मैंने ये पोस्ट देखी तो मेरे जहन में ये ख़्याल आया कि आर्मी गार्डन जो लफज है वो क्या हम उसे समझते हैं ये जो आर्म गार्डन की बात हुई है यहाँ पे भाई ने जो पोस्ट लगाई है क्या वो भी इस बात को समझते हैं जहाँ तक मैं पोस्ट के हवाले से बात करूँगा कि जो उन्होंने पोस्ट लगाई है उसके हिसाब से उनका जो नज़रिया है वो सामने जो आता है वो ये है कि जब ये आर्मी गार्डन की जंग लड़ी जाएगी तो मसीह जो हैं वो किसी ना किसी की हमायत करेंगे या तो वो यहूदियों की हिमायत करेंगे या उनके खिलाफ होंगे तो क्या ये आप जंग ही ऐसे है कि ये यहूदियों के खिलाफ या उनके साथ लड़ी जाएगी आए जरा कलाम मुक़दस की तरफ हम रज़ू करते हैं और देखते हैं कि बाइबल दारस हकीकत हमें इस जंग के बारे में क्या बताती है बाइबल में जो इसका ज़िक्र आया है जंग हर मजदून का वो मुकाशफा की किताब उसका सोलवा बाब और उसकी सोलहवीं आयत में सिर्फ एक ही बार आया है और बा नाम जो नाम इस जंग का ज़िक्र आया है वो इसी हवाले में हम देखते हैं और यहाँ लिखा है और उन्होंने उनको उस जगह जमा किया जिसका नाम इबरानी में हर मजदून है अब यहाँ जब हम इससे बिश्तर की आयात को भी हम देखते हैं तो इससे मालूम होता है कि यह एक बहुत बड़ी जंग का ज़िक्र है और वो जंग जो है एक जगह है जिसका नाम हर मजदून है वहाँ पर हो रही है अब देखना ये है कि ये जंग जो हर मजदून है ये कहाँ पे है आ, हर मजदून का मकाम जो है इससे क्या मुराद है और कौन इस जंग में फ्री कौन है किन के माबेन ये जंग लड़ी जाएगी क्या मसीह इसमें ही जंग लड़ेंगे तो क़लाम में मुक़दस की तरफ जब हम रुजू करते हैं तो इससे एक बात वाज हो जाती है जैसा कि अक्सर लोग तसवर करते हैं कि जंग हर मजदूम जो है वो जैसे पहली और दूसरी जंग अजीम लड़ी गई दुनिया दो ग्रोहों में बढ़ जाएगी और फिर ये तीसरी जंग अजीम जो है ये भी उसी तरह लड़ी जाएगी ये अक्सर लोगों की ये पहली ग़लत फहमी है कि दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो जो है वो दो ग्रोहों में बट जाएंगे जैसे पहली और दूसरी जंग में बट गए थे और ये आखिरी जंग होगी और तीस दो जो दूसरी गलत फहमी है वो ये है कि ये जंग जो है मजदून के मकाम पर लड़ी जाएगी जंग हर मजदून को समझने के लिए हमें इन दो बातों का अजाला जो है वो करना है वो इन बातों को समझना है कि इनसे ये क्या मुराद है लफज हर मजदून जो है दर हकीकत इबरानी जुबान का लफज है और ये दो लफज़ों का मिलाप है हर और मजदून हर का मतलब है पहाड़ और मजदून जगह का नाम है लेकिन जब हम जग्राफियाई तरीके से हम देखते हैं तो ये मजनून का जो मकाम है वो शुमाली इसराइल में है लेकिन वहाँ कोई पहाड़ नहीं है ये दर एक ऐसा एक एक टीला सा बना हुआ है जो बहुत सारी पुश्तों के वहाँ आने से जो बार बार लोग आबाद होते रहे एक पुश्त आई उसने दूसरे को ख़त्म करके फिर अपने आप को आबाद वहाँ पे किया तो इस तरह सदियों से लोग आबाद होते गए और इमारतें गिरती गईं और वहाँ जो मलबे के ढेर हैं उनको यहाँ देख सकते हैं हम और ये एक ऐसा मकाम है जहाँ पे हम देखते हैं कि बेशुमार जंगें जो हैं लड़ी गईं बाइबल में भी इसका ज़िक्र आता है और बहुत सारी मशहूर जंगें हैं जो यहाँ पे लड़ी गईं और इस लफ्ज का जो मक मतलब है दर हकीकत वो भीड़ की जगह है तो हर मजदून जो है ये दर हकीकत जैसे हम समझते हैं कि ये इसराइल में एक मकाम है जहाँ पर ये जंग लड़ी जाएगी ये ऐसा कोई नहीं है बल्कि ये एक नाम इस्तेमाल हुआ है जो तशबीहन इस्तेमाल हुआ है इस्तलाहन इस्तेमाल हुआ है कि मसीहसु जब आएंगे या दुनिया का जब खात्मा होगा तो उस वक़्त ये जंग लड़ी जाएगी इस जंग को मज़ीद समझने के लिए हमें इसी बाप की चंद जो बेशतर की आयात हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है हम देखते हैं कि बारहवीं आयत से इसका ज़िक्र शुरू होता है और बारहवीं आयत को जब हम पढ़ते हैं कलाम मुक़दस में तो यहाँ लिखा है यहाँ खुदावन के गज़ब के प्यालों का जिक्र है और छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया यानी फरात पर उल्टा और उसका पानी सूख गया ताकि मशरक से आने वाले बादशाहों के लिए रिया राह तैयार हो जाए अब इस आयत को समझने के लिए आपको थोड़ा सा तारीख में जाना पड़ेगा ताकि आप इस आयत को दर हकीकत समझ सकें यहाँ जब इस बाब को हम पढ़ते हैं सोलह बाब को तो यहाँ शहर बाबल का भी ज़िक्र आता है तो जब तारीख़ में हम जाते हैं तो सल्तनत बाबल जो है बहुत मरूफ़ सल्तनत थी लेकिन जब उसे फतह किया गया मादा और फारस के बादशाहों ने उसे फतह किया तो बड़े अजीब वरीब तरीके से फतह किया बाबल के जो बासी थे वो जश्न मना रहे थे और जो मादा फारस के जो जो फौजें थीं उन्हें ने दरिया जो उस शहर में से गुज़रता है उसको सुखा दिया और वो दरिया के रास्ते से अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने बाबल को सल्तनत बाबल को शहर बाबुल को फतह कर लिया अब यहाँ पर जो जिक्र है ये रूहानी बाबुल का जिक्र है ये उसी शहर बाबुल का जिक्र नहीं है बल्कि यहाँ नाम जो है शहर बाबल जो है उन्नीसवी आयत में हम देखे हैं देखते हैं और उस बड़े शहर के तीन टुकड़े हो गए और कौमों के शहर गिर गए और बड़े शहर बाबल की खुदा के यहाँ याद हुई ताकि उसे अपने सख्त गज़ब की मै का जाम पिलाए अब यहाँ शहर बाबल जो है वो तशबीहन इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे मुराद जो है बाबल से कुछ और है ये जग्राफी लिहाज से वो शहर नहीं है जो शहर जो बाबिल है तो ये समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर अब फौजों का जिक्र हो रहा है जंग का जिक्र हो रहा है तो ये जंग अजीम जो है वो दर हकीकत किन के दरमियान लड़ी जाएगी यहाँ पर जैसे मैंने जिक्र किया है कि जिस तरह बाबल को फतेह किया उसी तरह यहाँ पे दरिया के सूखने का जिक्र है दरिया जो समंदर है या दरिया पानी जो है वो लोगों को ज़ाहिर करता है बाइबल में पेशनगोई में पानी से मुराद लोग हैं तो यहाँ दरिया के सूखने का मतलब ये है कि जो लोग हैं जो बाबल की हमायत करने वाले हैं वो उसकी हमायत करना छोड़ देंगे जो रूहानी बाबल है जिसका आगे चल के हम ज़िक्र करते हैं कि वो शहर कौन है इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है और वो पपायत का तख्त है शहर रोम जो है तमाम जो स्कॉलर्स हैं बाइबल के वो इसको समझते हैं कि जो यहाँ बाबल लफज इस्तेमाल हुआ है वो दर हकीक़त पपाइत की जो सीट है उसको ज़ाहिर करता है जो शहर रोम है या उस कुवत को वो जाहिर करता है तो लिहाज़ा जो उसकी हमायत करने वाले हैं वो कम हो जाएंगे और फिर मशरक़ के से आने वाले बादशाह जो हैं वो जब बाबल को फतह किया गया तो मशरक़ से आने वाले बादशाह मादा और फारस के बादशाह थे उन्होंने उसे फतह कर लिया तो यहाँ जो वो इस में मुराद है ये मसीसू की दूसरी आमदसानी है या मसीह यसु की आमद का जिक्र है कि उसकी राह तैयार की जाएगी जब लोग इस क़वत को जो बुरगश्तः मसीहत है जो खुदा के ख़िलाफ़ क़त है उस की हमायत करना छोड़ देंगे और खुदावंद का आना उस वक़्त होगा आगे फिर हम इसको मज़ीद जानने के लिए हम देखते हैं तेरहवीं और चौदहवीं आयत में हम एक अजीब व गरीब इतिहाद का जिक्र हम पाते हैं यहाँ हम देखते हैं कि तेरहवीं और चौदवी आयत में जो ज़िक्र हमें मिलता है फिर मैंने उस अजहा के मुंह से और उस हेवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से तीन नापाक रूहें मेनकों की सूरत में निकलते देखी ये शयातिन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादर मुतल ख़ुदा के रोज़ अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं ये हर मजदून का पस मंज़र है और ये इसमें लड़ाई जो होगी या जंग जो होगी उसमें कौन लड़ाई कर रहे हैं यहाँ तीन कुवतों का जिक्र है और वो तीनों कुतें जो हैं वो खुदा के खिलाफ हैं अजदहा हैवान और झूठा नबी तीनों जो हैं वो खुदा के खिलाफ जंग लड़ेंगे और ये तीनों जो रूहें हैं ये शयातीन की रूहें हैं और लोगों को ये भड़काने वाली रोहे हैं बेशक जो ये जंग हर मजदून की जंग है ये मुसीसू के आमद के बाद होगी आखिरी जंग होगी ये जब खैर शर का जो आखिरी फ़ैसला होगा और हमेशा के लिए शैतानी कुवतों को बदी को ख़त्म कर दिया जाएगा लेकिन इस जंग का आगाज़ जो है वो जो बयान की गई हैं आफ्ते सात आफ्ते आखिरी अयाम में इस बाब में सोलवे बाब में उनसे बेश वाक़ हो रही हैं और ये दर हकीकत वाक़ जो हैं अभी हो रहे हैं इस वक्त ये कुतें कार फरमा हैं तीनों कोते जो हैं अजहा हैवान और झूठा नबी जो तीन ये तीनों कोते जो हैं वो लोगों को ख़ुदा के ख़िलाफ़ भड़का रही हैं और खुदा के लोगों पर हर तरीके से हमला आवर है आज हम देख सकते हैं कि किस तरह खुदा के लोग जो हैं जो दर हकीकत सच्चे लोग हैं खुदा के उन पर किस तरह हमले हो रहे हैं जो ममालिक हम समझते हैं कि मसीही ममालिक हैं वहाँ पर भी मसीहत जो है उसको परागंदा किया जा रहा है उस पर इतने सख्त तरीन हमले हो रहे हैं हता के पोप जो फ्रांसिस हैं उन्होंने खुद इस तरह के बयान दिए हैं जो कि खुदा के अहकाम के खिलाफ हैं जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं हैं इस तरह हमें ये जानने की ज़रूरत होगी कि ये अजदहा कौन है ये हेवान कौन है और ये झूठा नबी कौन है जो इस जंग में शरीक होंगे डिटेल में जा जाने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए लेकिन मख्त तौर पर जो ये तीन कुतें हैं ये तीनों ही अब्लिसी कोवते हैं क्योंकि कलाम मुकदस खुद इसकी तशरी करता है कलाम मुकदर से हमें ये वाजे कर देता है कि ये कौन है ये शयातीन के निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादर मतल खुदा के रोज़ अजीम के की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं तो ये शैतान की कुवतें हैं जो वो इंसानी रूप में भी इंसानों को भी इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो लोगों को खुदा के ख़िलाफ़ भड़काए दुनिया में ऐसे ऐसे आ, दस्तूर और कानून पास करवाए जिससे ख़ुदा के अहकाम जो हैं वो ख़त्म हो जाए और उनमें नमाया जो है वो चौथा हुक्म भी है खुदा ने ये हमें बताया कि याद करके तू सब का दिन पाक मानना लेकिन आज सारी दुनिया में देखते हैं हम कि इस हुक्म को तोड़ा जा रहा है दुनिया की तमाम जो मोतबर कलिसियाए हैं उन्होंने इसको फरामोश कर दिया है कलाम मुक़दस में हमें कहीं भी कहीं भी इसकी दलील नहीं मिलती कि चौथे हुक्म का जो सबत है जो सातवां दिन सबत है उसको पहले दिन में तब्दील कर दिया जाए या उस सबत को जुमे वाले दिन में तब्दील कर दिया जाए या किसी और दिन में तब्दील कर दिया जाए बल्कि ये एक शैतान का ख़ास हमला है जो मसीहत पर है जो वो खुदा के लोगों को वो बर्बाद करना चाहता है और ख़ुदा की शरीयत को ख़त्म करना चाहता है क्योंकि ये जंग जो है जंग हर मजदून जो है वो दर हकीक़त जैसा लोग समझते हैं कि दुनिया दो ग्रहों में बढ़ जाएगी ये ऐसा नहीं है बल्कि ये जंग जो है ये कायनाती जंग है जिसमें खुदा और उसके फरिश्ते एक तरफ होंगे और शैतान हैवान और झूठा नबी और उसके जो इन तीनों को जो पैरोकार हैं वो एक तरफ होंगे दो कुतें एक तरफ जो खुदा के और खुदा के लोग हैं खुदा के फरिश्ते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबलिफसी कोवतें जो हैं वो होंगी और इनकी दुनिया के आखिर पर आखिरी मार का राय होगी जो हर मजदून कहलाती है हर मजदून दर हकीकत जब भी कोई बड़ी जंग होती है तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है कि दुनिया का आखिर आने वाला है लेकिन कलाम के मुताबिक ये जंग जो है वो दुनिया के आखिर में बिल्कुल आखिर में होगा जब मसीसु आएंगे और नया जो है जमीन पर उतरेगा तो उस वक्त इब्लीस जो है वो फिर से आजाद किया जाएगा हजार साल कैद में रहने के बाद इब्लीस आजाद किया जाएगा और उसके बाद तमाम बदकार जो हैं वो जिंदा किए जाएंगे और ये सब जमा होकर खुदा की तरफ लड़ाई करने के लिए बढ़ेंगे और ये कहेंगे कि आओ हम इस शहर को जो नए यरूशलेम उतर रहा है उस पर कब्जा कर लें और उस वक़्त खुदा जो है वो आग भरपा करेगा और आखिरी जंग जो है उस वक़्त होगी लिहाजा हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये कोई इसराइल या दुनिया के किसी और मकाम पर ये ख़ास मकाम पर जंग नहीं होगी बल्कि हर मजदून जो है वो एक अलामती नाम है जिसमें जो फ्रीकैन हैं जो जंग लड़ने वाले हैं वो खुदा और उसके फरिश्ते और उसके जो मुखालिफ हैं वो इबलिस और उसके लोग हैं और ये तमाम कायनात की जंग है इसमें ये नहीं कि कोई शख्स जो है वो बच जाएगा बल्कि हर एक शख्स जो है वो इस जंग में शामिल होगा या तो उसे खुदा की तरफ होना पड़ेगा या इबलिस की तरफ और उसका फैसला आपने अभी करना है ये नहीं कि जब जंग का वक्त हो जाए जैसा कि कलाम में लिखा है कि जब सातवां फरिश्ता जो है वो अपना गजब का प्याला उंडेलेगा तो उस वक्त आवाज आएगी कि हो चुका सब कुछ खत्म हो चुका और उस वक्त मसीह का आना होगा लेकिन उस वक्त तैयारी का वक्त नहीं होगा जंग अब भी जारी है उस वक्त उस जंग की, की इंतहा होगी और ये अब्लिस कुफ्ते जो हैं उस हर मजदून की जंग में अभी भी बरसरे पेकार हैं खुदा के लोगों के खिलाफ वो अब्लिस कुफ्ते जो हैं लोगों को तैयार कर रही हैं कितने लोग जो हैं कैद खानों में पड़े हैं कितने लोग जो हैं वो छुपते फिर रहे हैं कि किस तरह वो अपना गुजर बसर करें क्योंकि अबलिस की कोवते जो हैं वो उन पर हमला आवर हैं सोचने का वक्त आज है फैसले का वक्त है आज है कि आप किस जंग में जंग इस जंग में अजीम जंग में किसके साथ हैं जब गल्फ वार हुई तो उस वक्त प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने अल्फाज कुछ इस तरह कहे कि या आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं और उस वक़्त भी उस हर मजदून की जंग में भी ऐसा ही होगा या आप खुदा के साथ हैं या आप खुदा के खिलाफ हैं सिमत आपने चुनी है हर मजदून की जंग यकीनी है जारी है और उसकी जो इंतहा है वो उस वक़्त होगी जब मसीयसु आएंगे और वो इस दुनिया का अदल और इंसाफ करेंगे और जैसा मैंने ये पोस्ट जिस सवाल पर मबनी थी उस सवाल में जैसे भाई ने ये बयान किया कि क्या मसीह जब आएंगे तो वो यहूदियों का साथ देंगे या यहूदियों के मुखालिफ होंगे तो ये बात भी बिल्कुल वाज है कि ये ऐसी जंग नहीं जहां मसीह या यहूदियों के खिलाफ होंगे या उनके साथ होंगे बल्कि ये तमाम इंसानियत की जंग है और जो इंसान हर एक इंसान को यह फैसला करना पड़ेगा और मसीसु का साथ देंगे या उसके खिलाफ होंगे खुदा आपको तफीक दे ताकि इसको मज़ीद आप समझ सकें और उस रोज़ अजीम के लिए आप तैयार हो सकें जो रोज़ अजीम अन आने वाला है खुदाउंद आपके साथ हो और बड़ी कसरत से बरकत दे आमिर